नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। 24वीं राजस्थान सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता कंपनी बाग में प्रारंभ हुई। ये प्रतियोगिता दिनांक 3 मई से 5 मई तक चलेगी। आज प्रतियोगिता का उद्घाटन शाम 6 बजे कंपनी बाग में JMCC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कर कमलों द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथि टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष मुंशी खान, सचिव शोएब खान रहे। 24वीं राजस्थान सब जूनियर टेनिस बॉल प्रतियोगिता के संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अलवर की पहले दिन लड़कों के मैच में पहले खेलते हुए 8 ओवर में टोक टीम ने 63 रन बनाया, जिसका पीछा करते हुए कुल 21 रन ही बना सकी टोक टीम, 42 रन से विजय रही। वहीं लड़कियों की प्रतियोगिता में पहले खेलते हुए अजमेर ने 33 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए अलवर की टीम ने स्कोर सिर्फ 4.1 ओवर में पूरा करके 8 विकेट से जीत हासिल की। संयोजक गिरीश गुप्ता ने बताया कि पूरे राजस्थान से लगभग 18 लड़कों की टीम तथा 15 लड़कियों की टीम प्रतियोगिता में भाग ले रही है। प्रतियोगिता के अध्यक्ष संयोजक डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अलवर के चेयरमैन एवं अध्यक्ष सचिव सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अधिवक्ता ज्वाइंट सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। 24वीं सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है अलवर के कंपनी बाग में राजस्थान की, और ये 10 वर्ष के बाद में अलवर को सौभाग्य मिला है आयोजित करने का, और पूरी डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अलवर सबका हार्दिक स्वागत करती है। विभिन्न जिलों से, करीब 20 जिलों से लड़के और लड़कियाँ आए हैं अंडर 16, और आज जो ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, बच्चों में बहुत जोश है। आज सवाई माधोपुर और सीकर के बीच में पहला मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। मैं अध्यक्ष होने के नाते, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूरे जिलों से जो हमारे ऑफिशियल्स पधारे हैं, एम्पायर्स पधारे हैं, जो टीम मैनेजर्स हैं, बच्चे हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ।